मटन अट्ठे। जी हाँ दोस्तों, देवघर झारखंड की एक ऐसी मटन डिश जो कि पूरी तरह से देसी घी में बनाई जाती है और इसमें एक बूंद पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे जैसे इस मटन को बनाया जाता है, पूरे इलाके में इस मटन की खुशबू लोगों की भूख को बढ़ा देती है। एकदम लटपट मसालेदार ये मटन अट्ठे स्वाद में एक नंबर है और आप भी जब खाएंगे तो अपनी उंगलियों को चाटने से रोक नहीं पाएंगे। और बगल में धोनी सर का घर है, तो आई थिंक जब भी वो आते होंगे तो अट्ठे का सेंट तो उनके घर तक ही जाता होगा। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं देवघर का फेमस मटन अट्ठे। अभी हम लोग कढ़ाई सेट कर रहे हैं इसमें। अभी इसमें हम लोग डाल रहे हैं देसी, ये अमूल का प्योर घी है। अभी पूरा हम लोग 1 लीटर इसमें डालेंगे। हाँ, तो सारे के सारे जो खड़े मसाले ना वो इस प्लेट में निकाल लिए गए हैं, जैसे कि इलायची हो गया, काली मिर्च हो गया, जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची, स्टार फूल है ना, तेजपत्ता, दालचीनी, सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। अभी जाएंगे सीधा घी के अंदर फ्राई होने के लिए। तो ये जो मटन अट्ठे है ना, वो देखिए कोयले की आंच पे बनाया जाएगा, धीमी धीमी आंच पे। यहाँ पर देख सकते हो कोयला डाला गया और ये भट्टी जो है ना उस पर ही पकाया जाएगा। तो यहाँ गैस यूज़ नहीं होता भैया? नहीं भैया। अच्छा, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये भट्टी को चलाने के लिए ना देखो फैन लगाया गया जो कि कॉन्स्टेंट हवा इसमें देता रहता है ताकि जो आँच है ना वो हमारी प्रॉपर आती रहे, धीमी धीमी आँच जो है प्रॉपर आए। और अभी देखिए धीरे धीरे जो हमारा जो घी है वो भी गर्म हो चुका है, तो इसके बाद मसाले वगैरह डालेंगे। हाँ, अभी खड़े मसाले हम लोग ऐड करेंगे। इसमें हम लोग पहले तेजपत्ता डाल देते हैं, इसको दालचीनी डालेंगे, स्टार फ्रूट है और इसमें बड़ी इलायची है, लौंग डालें, छोटी इलायची, कबाब चिल्ली और इसमें सहजीरा है। अब इसको थोड़ा एरोमा के लिए इसको थोड़ा सा मिलाएंगे अच्छे से। दोस्तों हमारा जो मसाले हैं ना, देखिए इसमें घी में ना गर्म हो चुके हैं अच्छे से, खुशबू जो फ्रेग्रेंस है वो आ चुकी है। अब डाला जा रहा है दोस्तों इसके अंदर मटन। ये देखिए जो मटन 10 किलो है वो डाला जा रहा है। तो इसमें हर तरीके के पीसेस रहता है? इसमें हर तरीके का पीस रहता है, पूरा ही ये पूरा 10 से 12 किलो का खस्सी कटवाते हैं सामने जाके। अच्छा, इसीलिए थोड़ा लेट हो जा बनते बनते इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है हम लोग का स्टार्टिंग एक वजह से होता है खाना। हमारे यहाँ पे पूरा प्योर खस्सी मिलता है, छोटा देसी खस्सी रहता है और हम लोग अपने सामने जाके कटवाने के कटवाते अपना खस्सी। जिस दिन खस्सी नहीं मिलता है ढंग का उस दिन हम लोग मटन नहीं बनाते, अट्ठे नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ पे पूरा जेन्युइन सामान बनता है, क्वालिटी और क्वान्टिटी के लिए हम लोग कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों मटन भी डाल दिया गया है और अब इसको ना अच्छे से भुना जाएगा। तो भून के ना उसको अच्छे से जब मतलब पकने लगे ना धीरे धीरे, तो उसके बाद और घी डलेगा। हाँ, बीच बीच में जैसे जरूरत पड़ेगा घी डालता जाएगा। क्या बात है। तो अभी इसको कितना टाइम लगेगा भैया इसको? अब इसको ये लो 45 मिनट ऐसे फ्राई होगा। ये 45 मिनट से कैसे होगा? हाँ, क्या बात है दोस्तों। मटन के देखिए सारे पीसेस आपको इसमें मिलेंगे। मेरे को चुस्ता भी दिख रहा है, चुस्ता भी डाला गया ना? हाँ, चुस्ता भी है। क्या बात है। ये ना बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों चुस्ता ना, इसके लिए तो लोग मारा मारी कर देते हैं कि ये चाहिए ही चाहिए हमें खाने को। तो देखिए क्या बढ़िया तरीके से मटन डाल के ना अब इसको मतलब फ्राई करते रहेंगे, लगभग आधा पौन घंटे तक इसको फ्राई किया जाएगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस पूरा किया जाएगा। ये हमारा हरमू चौक पे है और हमारे जस्ट 100 मीटर की दूरी पे धोनी सर का घर है और उनके जस्ट बगल में ये अपना माँ भोजनालय होटल है जो हरमू चौक पे, हरमू ग्राउंड के जस्ट अपोजिट में है माँ भोजनालय। और हमने इसका शुरुआत आज से लगभग 6 महीना पहले किया है। हमारा वैसे ये हमारा तो दूसरा प्रोफेशन है, हमारा तो दूसरा बिजनेस है, क्योंकि तो हमने शौकिया तौर पे इसको हमने चूज़ किया है। और हमारा यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, एक ये होटल है, एक हमारा और मांझी में एक और पेटू राम के नाम से है। तो हमारा वहाँ भी मटन अट्ठे डेली का डेली बनता है मटन अट्ठे। इस मटन अट्ठे का खुशबू इतना शानदार रहता है कि अगल बगल 100-200 मीटर के दरमियान में जो भी घर रहता है तो एक खुशबू से सबका घर सेंटेड रहता है। और बगल में धोनी सर का घर है, तो आई थिंक जब भी वो आते होंगे तो अट्ठे का सेंट तो उनके घर तक ही जाता होगा। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों है और साउथ इंडियन भी हमारे पास में है। तो वेज में आपका वेज थाली हमारे पास में है, बाकी पनीर का सारा आइटम है, बाकी नॉन वेज में चिकन, अंडा, मछली ये सारा हमारे पास में मिलता है। तो लेकिन हमारा जो सिग्नेचर डिश है वो अट्ठे है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय के साथ साथ बहुत पेशेंस और बहुत ज़्यादा प्यार भी चाहिए। तो ये मटन अट्ठे जो है ये देवघर का जो है मतलब वो वहीं का सिग्नेचर डिश है? हाँ, मतलब वहीं पे वहाँ पे जो पंडा समाज लोग हैं वो इसको ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। प्याज भी डलाएगा, लेकिन प्याज ये लगभग ये पूरा डीप फ्राई लगभग 45 मिनट के बाद ये प्याज इसमें ऐड होगा। तो दोस्तों इस मटन की खास बात क्या है ना, इसको बनाने का जो तरीका है ना बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। देखिए अब घी वगैरह मसाले वगैरह डालने के बाद ना इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि देखिए एक तो कोयले की आँच है प्लस घी डाला हुआ है और मटन है तो ये जले ना, इसलिए इसको लगातार चलाते रहना है। एक आदमी को इसको पूरे दिन ना मतलब जो जितना भी प्रोसेस का 3 घंटे का प्रोसेस है टोटली इसको चलाते रहते हैं।
और खुशबू जो है ना दोस्तों, अब बड़ी लाजवाब आ रही है। एक तो घी की खुशबू है, प्लस मटन उसमें फ्राई हो रहा है, ओहो क्या बात। तो आइए दोस्तों आपको ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है ये पैकेट। जी हाँ दोस्तों, ये है चंपारण आहुना मटन का सीक्रेट स्पाइसेस। जी हाँ दोस्तों, ये कहूँगा मैं सीक्रेट स्पाइसेस, जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो इससे आने वाला है। और ये ना आप अगर घर में बना रहे हैं तो मात्र 20 ग्राम में ना आपको 1 kg मटन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कमर्शियल किचन रन करते हैं जहाँ पे आप आहुना मटन खिलाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, कस्टमर को कंसिस्टेंसी देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये पैकेट यूज़ करके ना, यानी कि ये मसाला यूज़ करके आप लोगों को ना एक ही जैसा स्वाद हर बार दे सकते हैं। अब आपको मंगवाने के लिए क्या करना है दोस्तों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करनी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है उसको विजिट करिए, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इजीली, और अपने कस्टमर्स को या फिर घर में आराम से ये मटन जो है बना के खा सकते हैं। तो अभी हमारा लगभग 45 मिनट हो चुका है और अभी मटन पूरा फ्राई हो चुका है। मटन का जो भी पानी है, अभी पानी निकल गया है मटन का। अभी हम लोग प्याज डालेंगे, और प्याज का पानी और मटन का पानी में पूरा ये मटन रेडी होगा हमारा। अभी पूरा मटन फ्राई हो चुका है। अभी फिर अपना 8 kg प्याज है, ये पूरा चॉप किया हुआ प्याज है। ये तो दोस्तों देख सकते हो 10 किलो मटन के अंदर ना इन्होंने 8 kg प्याज डाला है। और ये जो रेसिपी है भैया, बिना पानी की बनती है? पूरा बिना पानी, मतलब पानी का एक बूंद नहीं रहेगा? एक बूंद भी नहीं दिखेगा आपको। ये पूरा रेसिपी जो है मटन अटे, ये बिना पानी का डिश है, इसमें एक बूंद भी पानी एड नहीं होगा। और ये पूरा प्याज का ग्रेवी में, पूरा प्याज का पानी पूरा मटन में रेडी हो जाएगा। तो अभी इसको भैया अच्छे से गलने देंगे प्याज को। हाँ, लगभग अभी ये 40 लगभग आधा से 45 मिनट अभी ये, अब ये गलेगा पूरा प्याज। अच्छा, मतलब 45 मिनट, अच्छा ये भी गलेगा। हाँ, अभी हम लोग इसमें नमक डाल रहे हैं ताकि प्याज को ये नमक गलाएगा। ये एरिया फेमस है धोनी सर के वजह से, क्योंकि ये बगल में 100 मीटर की दूरी पर धोनी सर का घर है। और हम लोग देवघर का बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जो देवघर के अलावा पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये वहीं के लोग बनाते भी हैं, अट्ठे बोलते हैं उसको। ये प्योर देसी घी में बनता है और बिना पानी का बनता है। ये भी अभी हम लोग अदरक दोनों, अदरक और हरी मिर्ची दोनों कुटा हुआ यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसमें टेक्सचर अच्छा आता है। हम लोग लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सारा हरी मिर्ची में काम होता है। ये पूरा ओखली में कुटा हुआ है दोनों, और अट्ठे में बहुत लिमिटेड मसाला पड़ता है, और जो भी मसाला पड़ता है सारा अपना ही पड़ता है, कोई ऐसा बाहर का कोई स्पेसिफिक मसाला नहीं पड़ता इसमें। अभी हरी मिर्ची और अभी हम लोग अदरक डाले हैं। अब इसके अब हर 15 मिनट के डिस्टेंस में एक मसाला ऐड होगा, तो सारा 15 मिनट तक दरमियान में जो भी मसाला होगा सारा प्रॉपर में फ्राई होगा। तो पूरी रेसिपी जो है वो काफ़ी लंबी है, मतलब कि कम से कम 3 घंटे मतलब इसको चाहिए। हाँ, 3 घंटा अट्ठे बनाने में कम से कम 3 घंटा चाहिए। क्या शुगर बनाइए कि 8 घंटे नहीं लगते जिस हिसाब से इसका नाम है अट्ठे। मैं कहा चलिए दोस्तों 3 घंटे में हमारे जो मटन है, मटन अट्ठे बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अभी देख सकते हो क्या मतलब अभी से ही जो कलरफुल सा दिख रहा है, देखो हरा भी है, लाल भी है, और जो पकाया जा रहा है ना प्रोसेस बड़ा यूनिक है, क्योंकि इसको ना बहुत देर तक चलाते रह रहे। और धीरे धीरे देखिए जो प्याज है वो भी गल चुका है ना, और जो मटन है वो भी धीरे धीरे पकता जा रहा है। तो अभी हम लोग को मिर्ची और अदरक डाले हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। अभी हम लोग इसमें लहसुन ऐड कर रहे हैं, फिर लहसुन के साथ ये फ्राई होगा फिर 15 मिनट के आसपास में। और ये अट्ठे पूरा देसी मसालों का ही मटन है, ये रेसिपी पूरा देसी मसालों का ही मटन है, ये इसीलिए इसका नाम है अट्ठे। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या लटपट ग्रेवी में ना जो हमारा मटन अट्ठे है वो तैयार हो रहा है। ये देखो ज़रा चेक करो ज़रा पीस, क्या बात है। प्याज भी अच्छी तरीके से गल चुका है, और ये देखो मसाले भी जो हैं वो पकने लगे हैं धीरे धीरे। तो बढ़िया तरीके का जो हमारा मटन है, कुछ और टाइम रहेगा इस पर, और थोड़े से मसाले भी डलेंगे अभी, है ना। हाँ, तो वो डल के फिर हमारा जो मटन अट्ठे है बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो हमारा लहसुन डालने के बाद, लहसुन भी लगभग 15 मिनट फ्राई हो चुका है। अब इसमें हल्दी डालेंगे और एक एक करके सारा मसाला जो है वो डालेंगे। दोस्तों अब जो इसकी रंगत है ना हल्दी डालने के बाद, देखना इसकी जो रंगत है वो बिल्कुल बदलने वाली, कलर जो है इसके अंदर वो भी पूरा प्रॉपर आ जाएगा। पहले तो बिल्कुल हरा हरा सा लग रहा था ना, मगर अब देखो इसका रंग जो है ना वो धीरे धीरे कैसे बदलता है मसालों के बाद। अब इसमें लोग चर्बी डाल रहे हैं, चर्बी हम लोग अब ये लगभग माल रेडी है हमारा। अब इसको आधा घंटा और फ्राई होगा। चर्बी लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि चर्बी टूटे ना, गल जाता है वैसे, अभी रहेगा तो ये पूरा खाने में सबको प्रॉपर चर्बी मिल पाएगा।
धनिया जीरा घोल के अभी तीन आइटम डालेगा, सारा 15-15 मिनट के दरमियान में अब डलाएगा, मतलब 45 मिनट अभी और इसको लगेगा रेडी होने में। अभी 45 मिनट और लगेगा? हाँ, आधा घंटा 45 मिनट और। ये इसका नाम ही अट्ठे, जो खाएगा अट्ठे वो हो जाएगा हट्ठे कट्ठे। इसमें भी हम लोग धनिया डाल रहे हैं, हाँ थोड़ा, ताकि प्रॉपर सब मसाला का जो भी जितना भी मसाला डाल रहे हैं उसका प्रॉपर सारा फ्राई हो जाए, सारा मसाला का जो टेस्ट है सारा मटन में घुस जाए। हाँ, तो इसलिए जो भी मसाला हम लोग डालते हैं कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट तो हम लोग फ्राई ज़रूर करते हैं। अभी हम लोग धनिया डाले थे, इसके बाद हम लोग जीरा डाल रहे हैं। धनिया डाले हमको 15 मिनट हो चुका है, इसके बाद हम लोग जीरा ऐड कर रहे हैं, जीरा पाउडर ही है। इसमें कश्मीरी डाल रहे हैं अभी हम लोग, तो भी हम लोग गरम मसाला डाल रहे हैं अपना पिसा हुआ ही है। दस मिनट हो गया, हाँ 10 मिनट भी और है। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो रेसिपी है ना बिल्कुल पूरी हो चुकी है। लास्ट में इसमें देसी घी डाला गया, गरम मसाला एंड में डाला गया था, उसके बाद फिर घी डाल दिया गया और बस भैया ये फाइनल हो गया। अब नहीं, अब इसमें गोलकी ऐड होगा। अच्छा, अब गोलकी ऐड होगा। हाँ। क्या बात है दोस्तों, ये रेसिपी जो है ना बहुत लंबी, अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब एंड में मेरे को लगा था ये ख़त्म होगी घी डालने के बाद, मगर इसमें ना बस गोलकी जो जिसको काली मिर्च बोला जाता है तो वो पीस कर डालिएगा कि खड़ा? नहीं नहीं, खड़ा नहीं, पिसा हुआ है। पिसा हुआ है, पिसा हुआ है ना, तो पिसा हुआ जो गोलकी है वो डाला जाएगा एंड में बस। अभी हम लोग काली मिर्च इसमें ऐड कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट प्रोसेस है एकदम, हमारा अट्ठे रेडी है। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो रेसिपी है ना बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है, क्योंकि ना देखो काली मिर्च और ये सब जो एंड में मैंने देखा है ना गरम मसाला डाला था कहीं किसी भी रेसिपी में, मगर इसमें ना सबसे एंड में डाला गया है हमारे पास काली मिर्च, और जो इसके स्वाद को इसका टेक्सचर को टेस्ट को ना ये बड़ा ही चटपटा कर देने वाला है, क्योंकि काली मिर्च आपको पता है कि तीखी होती है भाई, घी डला इसके अंदर तो एक अलग सा टेक्सचर होगा, काली मिर्च डल गई तो उसके बाद एंड में तो भाई साहब तीखापन तो जरूर आने वाला है इसके अंदर। चलिए फटाफट से इसको टेस्ट कर, बस ख़त्म हो जाए बस एक बार ये रेसिपी, उसके बाद टेस्ट करेंगे। और दोस्तों जितना टेस्टी ये मटन बना है ना उसके स्वाद में चार चांद लगाने के लिए इसको सर्व किया जाता है कुल्हड़ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं छोटे छोटे कुल्हड़ों में ना इस मटन को अच्छे से सर्व किया जाता है, और कितना लाजवाब डिलीशियस है हमारा मटन देखने में लग रहा है। क्या बात है, ये देखिए ज़रा, है ना मज़ेदार, आराम में पानी। तो चलिए फटाफट से अब इसको टेस्ट करते हैं। तो लो जी जनाब, ये लग गई हमारी थाली आज की, मटन अट्ठे स्पेशल थाली। ये देखिए 150 रुपये की थाली है दोस्तों, जिसमें दो पीस मटन के मिलते हैं, चावल मिलता है, फ्राइंग मिलते हैं, आलू का भुजिया मिलता है और सैलड मिलता है। मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वाली पूरी की पूरी मील में, है ना। और मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों कितनी भीड़ है, लोग जो है अपना खाना जो है इन्जॉय कर रहे हैं लंच टाइम में, है ना। टाइम हो चुका है दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, भाई हम आए थे सुबह 11 बजे के करीब आ गए थे, और तब से बनाते बनाते 3-4 घंटे में हमारा जो मटन अट्ठे है वो तैयार हो गया। अब ज़रा पास आइए, पास आइए, पास आइए, फटाफट से आपको दिखाता हूँ किस तरीके का हमारा मटन अट्ठे, खैर बनते हो तो आपने देख लिया, मगर देखो किस तरीके से नहीं कुल्लड़ के अंदर सर्व करते हो, और कितना टेम्पटिंग लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है देख के। ये देखो ज़रा पीसेस दिखाता हूँ, ओह हो ये आ गया हमारा नली वाला, आ जा भाई पकड़ में ही नहीं आ रहा। ये चेक करो ज़रा, क्या बात है यार, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, और ये आ गया हमारे पास सीने वाला एक पीस है, ये देखो वो आ गया है ना, इसको भी साइड में रखता हूँ और ग्रेवी चेकआउट करवाता हूँ आपको। ये देखो, और ये जो ऊपर से जितना भी रोगन देख रहे हो ना दोस्तों, ये सारा का सारा देसी घी है। जी हाँ दोस्तों, देसी घी में ही बना है, एक बूंद इसमें पानी नहीं डला है, ना कोई और तेल डला है। और ग्रेवी ज़रा चेक करो कितनी थिक है, देख रहे हो, अनियन बेस्ड ग्रेवी है, प्याज की ग्रेवी है, और बिल्कुल मसालेदार लटपट वाली, मज़ेदार यार। देखो कुछ ना कुछ कुछ ये जो ग्रेवी है ना अपने जो अहुना मटन होता है ना उसकी याद दिलाता है, मतलब उस तरीके की ही ग्रेवी ऑलमोस्ट लग रही है देखने में, मगर जो बनाने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। प्लस इसमें सरसों की जगह घी और घी का यूज़ किया गया है। आहा क्या खुशबू है, अब आओ ज़रा ये मटन चेकआउट करते हैं। ये देखो इसे दिखाता हूँ आपको किस तरीके से पके हैं, ओहो ये देखो ज़रा, वाह जी वाह, ओहो क्या बात, देख रहे हो चर्बी वाला पीस बिल्कुल मज़ेदार है ना। आओ इसको टेस्ट करते हैं, अब रहा नहीं जा रहा यार, मुंह में पानी भर गया। मसालेदार, चटपटा,
और बहुत ही यूनिक डिफरेंट सा फ्लेवर है दोस्तों। पहले मुझे लग रहा था ना कि अनियन बेस्ड ग्रेवी तो हल्का मीठा मीठा सा लगेगा, मगर मिठास नहीं है इसके अंदर ज़्यादा, मसालों का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और खुशबू तो भाई साहब पूछो ही मत, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखो लेग पीस, वाओ, जो ऊपर से जो काली मिर्च डाली है ना उसके जो तीखापन है वो लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना एंड में रेसिपी में सबसे एंड में डाली गई थी काली मिर्च, उसका जो तीखापन है वो बहुत मतलब झटका दे रहा है ना। और मसालों की खुशबू जो होती है ना एक देसी तरीके के मसालों की वो आ रही है। आप एक एक बाइट इसका लेते हैं पूरा पूरा। मेरे को ना चावल के साथ खाने का मन ही नहीं कर रहा, सच बताओ इतना मज़े का बना है ना, मन कर रहा है यही खाते रहो क्या। अब चावल के साथ खाते हैं है ना, थोड़ा सा टेस्ट बदलता है। अब ये मैं ग्रेवी लेता हूँ और इस पे डालते हैं और चावल के साथ भी दोस्तों ये बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो ग्रेवी बनी है ना अमेजिंग बनी है यार, वाह। और इसमें ना हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट यूज़ किया गया था और हरी मिर्च भी जो डाली गई थी ना बड़ी अच्छी क्वांटिटी में डाली गई थी, मज़े वाली। और गर्मा गर्म चावल के साथ ना ये तीखापन है ना आपके ज़बान पे ना भाई सब ऐसा चटकारा लाएगा ना, मज़ेदार। वाह, जैसे हालांकि ये मैंने मटन अट्ठे तो पहली बार खाया, मैंने और कहीं भी नहीं ट्राई किया, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से पूरी रांची में क्या भैया जैसे बोल रहे थे कि कहीं और मिलता भी नहीं है, सिर्फ देवघर में ही बनता है, फर्स्ट टाइम उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। तो भाई अमेजिंग रेसिपी है और जो मसालेदार है ना वो ऐसा याद दिलाता है जैसे गाँव में हम लोग मटन वगैरह नहीं बनाते मसालेदार, बिल्कुल दरदरे मसाले वाला, कुछ उस तरीके की याद दिलाता है, मगर फ्लेवर जो है अमेजिंग है। हाँ आप भी खाइएगा ना, फैन हो जाएगा सर, फैन। मज़ा आ गया, एक बाइट और पास आइए ज़रा। हालांकि ये पीस जो है ना बिल्कुल बोन वाला है, हल्का सा चुई है, खा के देखते हैं। खींचना पड़ रहा है मगर पीस अंदर से पका हुआ है पूरा पूरा, वाह। हमारा होटल आपका मटन अट्ठे जो है हमारा 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 11 12 बजे से आपका चल जो भी अगर कस्टमर आना चाहे 11 बजे से आप आके हमारे मटन अट्ठे का लुत्फ उठा सकते हैं। मटन अट्ठे का प्राइस अपने यहाँ पे 150 रुपये में थाली है, जिसमें दो पीस मटन, चावल, भुजिया, सलाद, अचार, ये सारा चीज़ आता है 150 रुपये मात्र में हमारे पास में। और हमारे होटल का नाम माँ भोजनालय है और ये हरमू ग्राउंड के जस्ट अपोजिट में, हरमू ग्राउंड है उसके जस्ट अपोजिट में हमारा होटल है और हरमू चौक है। और ये ज़्यादातर इस एरिया फेमस है धोनी सर के वजह से, क्योंकि ये बगल में 100 मीटर की दूरी पे धोनी सर का घर है। मज़ा आ गया दोस्तों ये खा के ना, तो आई होप कि आपको भी मज़ा आया है ना, मुंह में पानी आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए जिस तरीके से मैंने इसको पूरा शूट किया ना भाई। मेरा मेन मोटिव होता है वीडियो बनाने का, देखो खाना तो है ही है मगर आपके मुँह में पानी ले आना है ना, तो आई होप आया हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी रांची की तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।